नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको स्कॉलरशिप चेक करना सिखाएंगे। दोस्तों कैसे मोबाइल फ़ोन से करते हैं दोस्तों, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, चाहे दोस्तों किसी भी का हो दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का डाटा खोलना है। डाटा खोलने के बाद दोस्तों आपको प्ले स्टोर के एप्लीकेशन में दोस्तों चला जाना है। प्ले स्टोर के एप्लीकेशन में जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है उमंग। दोस्तों सर्च कर देना, कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है एप्लीकेशन। दोस्तों चंद मिनटों में ये डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों मोबाइल फ़ोन में, थोड़ा वेट करते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, चलिए दोस्तों मैं ओपन करते हैं। दोस्तों किस तरीके से इंटरफेस होगा, दोस्तों आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक लॉगिन का, एक रजिस्टर का। दोस्तों अगर आप पहले कभी आपने रजिस्टर किया है तो दोस्तों आपको लॉगिन करना है, अगर दोस्तों नई न्यू है तो रजिस्टर करना है। दोस्तों हम पहले से कर चुके हैं इसलिए मुझे लॉगिन करना होगा। दोस्तों अलाउ कर देना है। दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। चलिए दोस्तों मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अलाउ कर देना है। दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक अलाउ ऑटो वेरीफाई होता है। दोस्तों वेट करते हैं। दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर पर अभी ओटीपी आ गया है, चलिए दोस्तों मैं वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। दोस्तों आपको सर्च करना है पी एफ एम एस। सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। दोस्तों आपको लिखा दिखता होगा कनाओ योर पेमेंट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। दोस्तों आपको अकाउंट नंबर लिखना है सबसे पहले। चलिए दोस्तों मैं अकाउंट नंबर लिख लेता हूँ। दोस्तों आपको बैंक का नाम लिखना है, चलिए दोस्तों सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अपने बैंक का नाम लिख लेता हूँ। दोस्तों मैंने बैंक का नाम लिख लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों मेरा अभी स्कॉलरशिप नहीं आया इसलिए इसे दोस्तों ये दिखा रहा है चेक एग्री। दोस्तों क्लिक कर देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।